केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ प्रिया। साफ सुथरी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं ने डीसी कार्यालय के बाहर दिया धरना, करेगी भूख हड़ताल। पाकुड़ में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने साफ सुथरी मांगों को लेकर सोमवार यानी 12 दिसंबर को उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना दिया। धरना में जिले के सभी प्रखंडों से सैकड़ों की तादाद में सेविका और सहायिकाओं ने भाग लिया। धरना का नेतृत्व करते हुए संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा कि मानदेय व पोषाहार की राशि उपलब्ध नहीं होने से आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्षों के बच्चे को पका हुआ नाश्ता व खिचड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ विभाग के पदाधिकारी लगातार धमकी पोषाहार नहीं चलाने पर चयन मुक्त करने की धमकी दे रहे हैं। बाल मुकुंद सिन्हा ने कहा कि सभी प्रखंडों के सेविका व सहायिकाओं को 5 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। सीडीपीओ के मौखिक आदेश पर सेविकाओं ने अपने निजी खर्च पर 21 महीना तक पोषाहार चलाया। आंगनबाड़ी केंद्रों के मकान किराया 3 साल से बकाया है। गोद भराई कार्यक्रम में सेविकाओं के निजी खर्च पर चल रहा। बाल मुकुंद सिन्हा ने सेविका व सहायिकाओं को जल्द भुगतान करने और मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का लाभ देने की मांग की है। धरना के दौरान उपायुक्त के मांग पत्र सौंपा। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष रूप किसको, जिला कार्यकारी संयोजक नाजीर हुसैन, शहीदुल बीवी प्रखंड सचिव पाकुड़, आशा मरांडी प्रखंड अध्यक्ष पाकुड़, विद्या देवी प्रखंड अध्यक्ष हिरनपुर, कौशल्या देवी प्रखंड अध्यक्ष महेशपुर, सावित्री बरांडी सहित सैकड़ों सेविका व सहायिका उपस्थित थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।